न्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवेणवः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सह गण रघुनाथन्व तम सजीव साध्वैतम सवधूत पिजना सहित कृष्णचैतन्यम सहगना ललिता श्री विशाखान्वत नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टा भूतले श्रीमते भक्तिवेदात स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाष्टातरिणे नमो ओं विष्णुपादा कृष्णभ्रेष्टा भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वतीने श्रीवार्ष महानवी देवी दयिताय कृपाद कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः मधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री भक्तिदा श्री गौरा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्त सिद्धांत द्वंत हारिने नमो गौरकिशोराय साक्षा वैराग्यमूर्त विप्रलंबार सांबोधे पदुजा से नमः नमो भक्ति विनोदा सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपनुगौराय ते गौरभूमस्व निर्देश सजन प्रिया वैष्णवा सर्वभम श्री जगन्नाथय नम वकतुभ्य कृपादोभव पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम नमो महावद्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णा कृष्ण चैतन्यनामने भक्तूपस्वक भक्तावता भक्ताख्यम नमा भक्तशतिकम् हे कृष्णकुणाधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत कांत नमोस्तुते जयताम पंगोर मम मंद मतीर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोज राधा मदन मोहन दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमा दत्तागरा सीमा सनस्तो श्रीमद राधा शिल गोविंद देव प्रेष्टाल सेव्य मानो स्मरामी श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थ वेनोर स्वनीर गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु तप्तकांचन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमाी हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत धार धार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौलीला के ये सीरीज में तो कल हमने देखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु पहले काम्य वन जाते हैं वहां से महाप्रभु नंद ग्राम पहुँचते हैं नंदीश्वर पर्वत के ऊपर जाते हैं नंद बाबा यशोदा मैया भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं पावन सरोवर में स्नान करते हैं इत्यादि तो वहाँ से महाप्रभु फाइनली सब स्थली भ्रमण करके श्रीवन लोहवन भांडीर वन भद्रवन फाइनली ये सब भ्रमण करके महाप्रभु मथुरा आते हैं पर मथुरा में जब महाप्रभु सनोदिया सन्नोदिया ब्राह्मण के घर में रुकते हैं बहुत भीड़ आने लगता है बहुत सारे लोग आते हैं महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां से महाप्रभु एकांत स्थान प्राप्त करने के लिए अक्रूर तीर्थ में रहते हैं तो अक्रूर तीर्थ जो है महाप्रभु का विश्राम स्थल था वहां से महाप्रभु प्रातः काल उठ के वृंदावन आते थे केशी घाट का दर्शन करते थे बहुत बार महाप्रभु इमली तल के नीचे बैठ के जप करते थे पर महाप्रु वापस प्रसाद के लिए अक्रूर तीर्थ आते हैं तो एक बार एक ब्राह्मण जिसका नाम था कृष्णदास राजपूत परिवार का था वो भी महाप्रभु के साथ वृंदावन से अक्रूर तीर्थ आके महाप्रभु के साथ ही रुकते हैं तो हमने ये भी प्रसंग सुना था तो एक समय में बहुत सारे वृंदावन के सदस्य रजवासी जो हैं महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं हमने कृष्ण को देख लिया कालिया दह में कृष्ण नृत्य कर रहे हैं कालिया के ऊपर तो तीन दिन तक ये चर्चा चल रहा था बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं आप मुझे परमिशन दो मैं भी कृष्ण को देखना चाहता हूं मैं भी जाऊंगा तो महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को बहुत प्रेम से थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं पागल मत हो जाओ कल तुमको समझ में आएगा वो कृष्ण कौन है तो अगले दिन सुबह अः सब लोग आते हैं सज्जन लोग और महाप्रभु पूछते हैं उनको कृष्ण देखा क्या सब लोग बोलते हैं अरे वो कृष्ण नहीं था एक नाविक एक मछुआरा नाव एक के ऊपर एक टॉर्च लाइट लेके मछली पकड़ रहा था तो हमको लगा ये ये जो नाव है कालिया नाग है और ये जो आ, दीप है वो एक कालिया के ऊपर फन है और ये मछुआरा कृष्ण है तो यहाँ पे हमने विस्तार से देखा था कि कैसे हैं हालांकि महापुरुष साक्षात हैं कृष्ण साक्षात आए हैं लोग महाप्रभु को पहचान नहीं पा रहे हैं कृष्ण को पहचान नहीं पा रहे हैं वो मछुआरे को कृष्ण समझ के ले रहे हैं उस समय वहां के सब लोग महाप्रभु का गुणगान करते हुए बोलते हैं एक्चुअली आप ही कृष्ण हो क्योंकि आप सन्यासी हो आप जंगम नारायण हो तो महाप्रभु अपना दोनों कान बंद करके महाप्रभु चिल्लाते हैं विष्णु विष्णु कभी जीव भगवान हो ही नहीं सकता और महाप्रभु दो उदाहरण देते हैं जैसे सूरज की किरण और सूरज सूरज के किरण और सूरज में बहुत फर्क है गुण में, 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 में एक है पर मात्रा में फर्क है दूसरा उदाहरण महाप्रभु देते हैं आग का चिंगारी और आग गुण में एक है पर मात्रा में फर्क है महाप्रभु बोलते हैं इस तरह से कि व्यक्ति सन्यासी भी हो जाए कभी भी वो भगवान नहीं बन सकता तो इस तरह से महाप्रभु बोलते हैं कि जो मूड व्यक्ति है साधारण जीव को भगवान के समान मानता है ऐसा व्यक्ति पाषंडी है यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादिदत समत्वन विक्षेत स्वाषण्डी भवे ध्रुव तो ये पद्म पुराण का श्लोक है कि साधारण जीव छोड़ो सन्यासी छोड़ो ब्रह्मा जी और शिव जी भी नारायण के समान हो ही नहीं सकते जो व्यक्ति बताता है कि शिव और ब्रह्मा विष्णु सब एक हैं ऐसा व्यक्ति पाशंडी है बहुत बड़ा अपराधी है इस तरह से महाप्रु बोलते हैं मैं कभी कृष्ण हो ही नहीं सकता तो लोग उस समय महाप्रु के गुणगान में बोलते हैं लोक कहे तुमाते कबू नाहे जीव मती कृष्ण तुम्हारा आकृति प्रकृति तो सब लोग बोलते हैं महाप्रु को आप जीव नहीं हो हम आपको नारायण बोल रहे हैं क्योंकि आप सन्यासी हो इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आप साधारण जीव नहीं हो आपका जो रूप है आपके जो गुण है लक्षण है सब कृष्ण की तरह ही है तुमार देखी देजेंद्र नंदन देह कांति पिताम्बर कैल आचदन आपका शरीर भी कृष्ण की तरह है और आपका जो कांति है हालांकि कृष्ण का कांति श्याम वर्ण है वो ओरिजिनल जो कलर है कृष्ण का ढक चुका है गौर वर्ण में मृग वस्त्रे बांधे तबु न लुकाए ईश्वर स्वभाव तुमार ताक नहीं आए तो लोग बोलते हैं कि जैसे एक अरोमा होता है आ, मस्क मृग मृग जो होता है कस्तूरी इसको आप आ, कपड़े में भी बांधोगे फिर भी सुगंध आ ही जाएगी तो वैसे ही महाप्रु के गुणगान में बोलते हैं हालांकि आप, आपके ईश्वर के होने का जो गुण है वो आप ढकना चाहते हो ये आपका नम्रता है फिर भी आप ढक नहीं पाओगे अलौकिक प्रकृति तुम्हार बुद्धि अगोचर कृष्ण प्रेम जगत पागल तो पहले तो बोलते हैं आपका जो रूप है बिल्कुल कृष्ण की तरह है और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो प्रकृति है अलौकिक है क्योंकि आपको देख के ही व्यक्ति पागल हो जाता है कृष्ण के लिए स्त्री बाल वृद्ध आर चंडाल यवन ई तुम्हारे एक बार पाय दर्शन कृष्ण नाम लय नाचे हान उन्मत आश आचार्यल सही तारी जगत तो यहाँ पे बोल रहे हैं कोई भी आपको एक बार देखेगा स्त्री हो बालक हो बूढ़ा व्यक्ति हो हो यवन हो कोई भी हो पागल हो जाता है कृष्ण प्रेम में पागल होता है और ऐसा व्यक्ति गुरु बन जाता है आचार्य बनता है दूसरों का उद्धार कर सकता है तो डेफिनेटली आप साक्षात कृष्ण हो दर्शनेर कार्य आचूक ये तुम्हारा नाम सुने सही कृष्ण प्रेम मत तार त्रिभुवने तो सब लोग बोलते हैं आपको देखने देखने से डेफिनेटली कृष्ण प्रेम मिलता है सिर्फ आपके बारे में सुनने से भी व्यक्ति जो है शुद्ध बन जाता है और पूरे दुनिया का उद्धार करने के लिए काबिल बनता है तुम्हार नाम सुनी हो स्वप्न पावन स्वपोच्च पावन अलौकिक शक्ति तुमार न आपका सिर्फ नाम सुनने से जिसका जन्म ऐसा परिवार में हुआ है जो कुत्ते का मास व्यक्ति भी साधु बन जाता है ये आपकी महिमा है और भागवतम का एक श्लोक करते हैं श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो थर्टी थर्ड चैप्टर सिक्स वर्ष येय श्रवना अनुकीर्तना प्रवरण य स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते भगवन दर्शना तो यहाँ पे वर्णन है जो भगवान के नाम का श्रवण करता है नाम देय हैतना जो भगवान के नामों का श्रवण करता है कीर्तन करता है जो भगवान का स्मरण करता है जो भगवान को प्रणाम करता है ऐसा व्यक्ति तुरंत शुद्ध बनता है ऐसा व्यक्ति का जन्म अगर ऐसा परिवार में हुआ है जो कुत्ते का मांस स्वाद जो कुत्ते का मांस खाता है ऐसा व्यक्ति तुरंत शुद्ध होके यज्ञ करने के लिए काबिल बन जाता है सिर्फ भगवान के नामों का श्रवण करने से कीर्तन करने से स्मरण करने से भगवान का दर्शन करने के, के बारे में क्या बोलना है? तो ये भागवतम का सुंदर श्लोक है सिर्फ भगवान का श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति इतना शुद्ध हो सकता है जो व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन करेगा वो तो डेफिनेटली शुद्ध बनेगा इस तरह से महाप्रभु का गुणगान कर महिमा तुम्हार तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण है तुम्हें व्रजेंद्र नंदन तो बोलते ये सब जो आपका महिमा हमने गाया है आपका तटस्थ सेकेंडरी लक्षण है आपका मेन लक्षण है आप साक्षात व्रजेंद्र नंदन हो व्रजेंद्र नंदन से ही सची सुत हो सही बलराम हो निकाय तो वही जो वृंदावन के नंदन है महाप्रभु के है से सब लोग प्रभु प्रसाद करीला कृष्ण प्रेम मत्त लोक निज घरे गेला तो महाप्रभु इन पे कृपा करते हैं उन सब लोगों को हरि नाम देते हैं और ये सब लोग वापस अपने घर जाते हैं ई मत कट दिन अक्रूरे रहिला कृष्ण नाम प्रेम दिया लोक निस्तारिला इस तरह से महाप्रभु अक्रूर तीर्थ या अक्रूर घाट में थोड़े दिन रहते हैं और महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम बांटते हैं सबका उद्धार करते हैं माधव माधवपुरी शिष्य सहित ब्राह्मण मथुराय घरे घरे कार्य तार निमंत्रण तो ये जो ब्राह्मण था सानोदिया ब्राह्मण जो माधवेंद्रपुरी का शिष्य था वो मथुरा में जाके मथुरा के, के ब्राह्मण को बोलने लगा अरे महाप्रभु आए हैं वृंदावन पता नहीं कितना दिन रुकेंगे आप आपके घर भी बुला लो महाप्रभु को आप भी इनवाइट करो मथुरा ब्राह्मण सज्जन भट्टाचार्य स्थाने आसी करी निमंत्रण तो ब्राह्मण के प्रचार से मथुरा के जो ब्राह्मण थे वो सब लोग बलभद्र भट्टाचार्य के पास आते हैं और बोलते हैं प्लीज महाप्रभु को हमारे घर प्रसाद के लिए लेके आइए इनविटेशन लेके आते हैं एक दिन दश बीस आईसी निमंत्रण भट्टाचार्येर मात्र करे न तो एक दिन में दस या बीस निमंत्रण आते थे महाप्रु को हमारे घर लेके आइए हमारे घर लेके आइए बलभद्र भट्टाचार्य सिर्फ एक स्वीकार करते थे अवसर न पाए लोक निमंत्रण दीते विप्रे सादे लोक निमंत्रण नीते क्योंकि लोगों को अवसर नहीं मिलता बलभद्र भट्टाचार्य उनको अवसर नहीं दे रहे थे सब लोग सनदीय ब्राह्मण के पास जाते हैं और बोलते हैं प्लीज आप रिक्वेस्ट करना आप तो कुछ तो करना महाप्रु को हमारे घर लेके आना वैदिक ब्राह्मण दैन्य करी करे महाप्रभु निमंत्र तो ये मथुरा में अलग अलग जगह से ब्राह्मण रुक रहे थे कन्या कुब्ज दक्षिण भारत के ब्राह्मण सब नियमों का पालन करते थे और ये सब बहुत नम्रता से महाप्रभु को बुलाते हैं प्रातः काले अक्रूरे राशि रंदन करिया प्रभुरे भिक्षा देना शालग्राम समर्पिया तो बहुत सारे ब्राह्मण जिनको अवसर नहीं मिलता था उनके घर बुलाने के लिए ये सब लोग अक्रूर तीर्थ जाते थे और महाप्रु के लिए वहां पे खाना बनाते थे क्योंकि महाप्रभु उनके घर नहीं आ पा रहे हैं अक्रूर तीर्थ में जाके खाना बनाते थे और शालिग्राम शिला को अर्पण करते थे तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं जनरली जो ब्राह्मण है उत्तर भारत के पांच जगह से आते हैं इनको बोलते हैं पंच गौड़ ब्राह्मण और दक्षिण भारत के पांच जगह से आते हैं जिनको बोलते हैं पंच दक्षिणात्य ब्राह्मण तो उत्तर भारत के पांच जगह कुब्ज सारस्वत मैतल और उत्कल ये उत्तर भारत के पांच ब्राह्मण हैं, और दक्षिण भारत के पांच हैं आंध्र कर्नाटक गुजरात द्रविड़ महाराष्ट्र तो ये सब ब्राह्मण जो हैं नियमों का पालन करते हुए बताए गए हैं तो ये सब ब्राह्मण आके महाप्रु को बुलाते हैं एक दिन से अक्रूर घाटेर ऊपर वसी महाप्रभु किचु करे विचार तो एक दिन ऐसा निमंत्रण चल रहा था महाप्रभु अक्रूर घाट पे बैठे थे अक्रूर तीर्थ पे यमुना बह रहा था वहां पे महाप्रभु विचार करने लगे तो प्रॉपर लिखते हैं ये अक्रूर घाट जैसे हमने पहले वर्णन किया था वृंदावन और मथुरा के बीच में है जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेके जाते हैं तो यहाँ पे कृष्ण रथ से नीचे उतर के स्नान करते हैं यमुना में और जब अक्रूर जी जाते हैं स्नान करने के लिए वह पूरा वैकुंठ का दर्शन करते हैं तो ये अक्रूर घाट है से घाटे अक्रूर वैकुंठ देखेला व्रजवासी लोग गोलो का दर्शन कर तो महाप्रभु विचार करने लगे यही घाट में अक्रूर जी ने वैकुंठ देखा था और यही स्थान पे ब्रजवासियों ने गोलोक वृंदावन देखा था तो कृष्णा बुक और भागवतम के दसवें वर्णन आता है एक बार सब व्रजवासी भगवान कृष्ण को जाके पूछते हैं हम भगवत क्या को भी थोड़ा डाउट आने लगा तो भगवान कृष्ण ये अक्रूर घाट में पूरे गोलोक वृंदावन का दर्शन कराते हैं तो महाप्रु सोचने लगे यही अक्रूर घाट में अक्रूर जी ने वैकुंठ देखा व्रजवासियों ने गोलोक वृंदावन देखा एक बलि जाम्प दीला जलेर ऊपरे डुबिया रहीला प्रभु जलेर भी तो महाप्रु सोचने लगे ये इतना पवित्र स्थली है ये सोच के महाप्रु ने चलांग लगाया यमुना नदी के अंदर काफी समय तक यमुना नदी के अंदर थे देखी कृष्णदास करीला भट्टाचार्य शीघ्र आशी प्रभु ने उठाई ला तो ये प्रसंग जो है महाप्रभु चलांग लगा रहे हैं पानी से बाहर आए ही नहीं कृष्णदास देख लेता है ये जो राजपूत था आ, भगवान का भक्तता वो देख लेता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है बलभद्र भट्टाचार्य तुरंत भाग भागते हुए आते हैं वहां पर को उठा लेते हैं तबे भट्टाचार्य सही ब्राह्मणे लान युक्ति करीला किचु निवृत्ते वसिया उस समय बलभद्र भट्टाचार्य सन्नोदी ब्राह्मण को एकांत स्थान में लेकर जाते हैं और उनसे कुछ कंसल्ट करते हैं आज्ञामि आचिलान उताइ उठालिन प्रभुरे वृंदावने डूबे नो यदि के उठी पारे तारे तो बलभद्र भट्टाचार्य बोलने लगे देखो भगवान की कृपा से मैं यहाँ पे था महाप्रु जब डूब रहे थे मैंने उठा दिया महाप्रु रोज मुझे महाप्रु क्या करते थे तो ये जो प्रसंग था अक्रूर घाट में हुआ था महाप्रु रोज अक्रूर घाट से वृंदावन जाते थे वहां पे दिन भर जब करते थे और वापस आते थे तो बलभद्र भट्टाचार्य बोलने लगे आज मैं था यहाँ पे महाप्रु मुझे छोड़ के वृंदावन जाएंगे वहां पे उन्होंने यमुना में चलांग लगाया तो कौन बचाएगा उनको बचाने वाला कोई नहीं तो वहां पे वो डूब गए तो कौन मदद करेगा लोकेर संकट आर जंजाल निमंत्रण आवेश प्रभु ना देखिया भाल तो बलभद्र भट्टाचार्य बोलते हैं देखो पहले तो महाप्रभु का कुछ भरोसा नहीं है कहा कब कूदेंगे क्या करेंगे पता नहीं दूसरा दूसरा समस्या है भीड़ बहुत होने लगा है महाप्रुख को भी शांति नहीं मुझे भी शांति नहीं तीसरा समस्या है, इतने सारे लोग इनविटेशन देते हैं सब लोग आके मुझे तंग करते हैं क्योंकि महाप्रुख के पास कोई आता ही नहीं है बेचारा सर्वेंट फंस जाता है लेकिन नहीं सब लोग बलभद्र भट्टाचार्य के पास आते हैं बोलते हैं हमको भी अवसर दो हमको भी अवसर दो तो बलभद्र भट्टाचार्य बोलते हैं मैं परेशान हो गया इट वेरी वेरी डिफिकल्ट तो ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छा नहीं है मैं भी सहन नहीं कर सकता वृंदावन हईते यदि प्रभु रखा तो बलभद्र भट्टाचार्य बोलते हैं मेरा फाइनल कंक्लूजन है महाप्रभु को वृंदावन से लेके जाना चाहिए हो गया अभी महाप्रु का वृंदावन यात्रा दो महीना करीब हो गया मेरा कंक्लूजन है अभी चलो चलते हैं विप्र कहे प्रयाग प्रभु लान या गंगा तीर पटे तभी सुख पाई तो सन्नदीय ब्राह्मण बोलते हैं ठीक है चलो महाप्रभु को प्रयाग लेके जाते हैं गंगा से होते हुए लेके जाएंगे महाप्रभु भी खुश हो जाएंगे हम भी खुश रहेंगे सोरो क्षेत्र आदि यान करी गंगा स्नान से पटे प्रभु लान करी या पयान तो ये सन्नदिया ब्राह्मण बोलते हैं हम पहले सोरो क्षेत्र जाएंगे और वहां से वहां पे गंगा में स्नान करके उसी मार्ग में महाप्रु को लेके जाएंगे माघ मास मकरिब प्रयाग स्थान कट दिन पाए तो ब्राह्मण बोलते हैं अभी अच्छा अवसर है माघ महीना आया है सो बेसिकली so ये संयोदय ब्राह्मण बोलते हैं अभी ये माघ का महीना आया है माघ महीना में प्रयाग में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है माघ मेला होता है और खासकर मकर संक्रांति के दिन तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं अभी भी माघ माघ मतलब जनवरी का जो महीना होता है जनवरी फ़रवरी का महीना माघ महीना बोलते हैं अभी भी हर साल माघ मेला होता है प्रयाग में लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे स्नान करने के लिए क्योंकि ये माना जाता है कि मोहिनी मोहिनी मूर्ति जो है वो जो अमृत है वहां पे छोड़ देती है इसलिए तो वहां पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है हर साल माघ मेला और 12 साल में एक बार कुंभ मेला जिसमें करोड़ों अरबों लोग जाते हैं तो यह ब्राह्मण का भी इच्छा था प्रयाग में स्नान करने का माघ महीने में बोलते तो हैं चलो महाप्रभु को लेके जाएंगे और हम भी स्नान करेंगे तो शास्त्रों में प्रयाग में स्नान करने का वर्णन है महिमा है मागे मासी मास्यंती गंगा यमुना संगमम गाव शत सहस्य सम्यक दत्तम च फलम प्रयाग प्रयागे, प्रयागे माघ मासे वी त्रियम स्नात्य तत्फलम तो शास्त्रों में वर्णन है जो प्रयाग में संगम में स्नान करता है गंगा यमुना के संगम में खासकर माघ महीने में उसको हजारों गाय देने का फल मिलता है जो तीन दिन तक वहां पे स्नान करता है उसके सब पुण्य कार्य हो गए हैं इसलिए लोग जाते हैं स्टार्ट करने के लिए तो प्रोपा लिखता है एक्चुअली वैष्णव जो है इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जो वैष्णव है इस कौन के भक्त है शिला प्रोपा ने हमको एक मार्ग सिखाया है कुंभ मेला में जाते हैं वैष्णव प्रचार करने के लिए स्नान करने के लिए उतना उतना एक्साइटमेंट नहीं है वैष्णवों में क्योंकि हरिनाम जो है सब अमृत ऑलरेडी हरिनाम में है पर जो बाकी जो जनरल ब्राह्मण्स हैं जो कर्मकांड पालन करते हैं उनके ये फलों से उनको बहुत आकर्षण होता है बोलते है चलो स्नान करेंगे माघ महीने में तो ये सनोदिया ब्राह्मण के मन में ऐसा एक भाव था आपनार दुख किछु करी निवेदन मकर पंचसी अपना सूचन तो सन्नोदिया ब्राह्मण बोलते हैं ठीक है बलभद्र भट्टाचार्य तुम जाके महाप्रु को अपना दुख बताना और महाप्रु को बोलना कि प्रयाग में हम माघ महीने में स्नान करेंगे पूर्ण ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन में हम स्नान करेंगे गंगा तीर पटे सुख जाना ही भट्टाचार्य तो तुम जाके महाप्रभु को बताना कि अगर हम गंगा के मार्ग पे जाएंगे सब सुखी हो जाएंगे डेफिनेटली महाप्रभु तुम्हारे प्रार्थना को स्वीकार तो बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के पास जाते हैं सहित न पारी हमी लोके गड़बड़ी निमंत्रण लागी लोग करी उड़ा उड़ी तो बलभद्र भट्टाचार्य महापुरु के पास बोलते हैं अभी मुझे सहन नहीं हो रहा है बहुत भीड़ है मैं आपका सेवा कर सकता हूं लोगों के हैंडल नहीं कर सकता आ, मैं आपका सेवक हूं ये लोगों का हैंडल करना मेरा क्षमता नहीं है बहुत भीड़ बहुत गड़बड़ हो रहा है और ये सब लोग आके निमंत्रण करते रहते हैं वेरी डिफिकल्ट ये सहन करना बहुत मुश्किल है प्रातः काले आईसी लोग का तुम्हारा न पाई तुम्हारे न पान लोग मोर माता खाई तो बलभद्र भट्टाचार्य बोलते हैं सुबह सुबह लोग आ जाते हैं अक्रूर तीर्थ आप तो चले जाते हो जब करने के लिए मेरा सर खाते महाप्रु को हमारे घर बुलाना हमारे घर बुलाना तो बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रु को बोल रहे हैं ये बहुत मुश्किल हो रहा है अभी तभी सुख हैंगा पते या बे यदि मकरी गंगा स्नान पाए तो बलभद्र भट्टाचार्य बोलते हैं मेरा प्रपोजल है कि हम जाएंगे वृंदावन से गंगा के मार्ग से और प्रयाग में जाके हम मकर संक्रांति के दिन स्नान करेंगे तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखना है माघ महीने में स्नान करना बहुत शुभ है पर माघ महीने में दो दिन एक पूर्णिमा का दिन और एक अमावस्या का दिन इसमें स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है उद्विग्न हिला प्राण सहित न पारी प्रभुर आज्ञा है सही शिरे दरी। तो बलभद्र भट्टाचार्य बहुत नम्रता से अपना प्रपोजल रखते हैं महाप्रभु को बोलते हैं चलो वृंदावन से जाएंगे पर महाप्रभु को बोलते हैं अभी डिसीजन आपके ऊपर है आप जो बोलोगे मैं स्वीकार करूंगा यद्यपि वृंदावन त्यागे ना ही प्रभुर मन भक्त इच्छा पूरी ते कहे मधुर वचन हालांकि महाप्रभु को वृंदावन छोड़ के नहीं जाना था फिर भी महाप्रभु अपने भक्तों के भावना को समझते हुए बहुत मधुर वचन बोलते हैं तुम्हें वृंदावन ऋण आमी नारी ब करीते शोधन महाप्रु बचार्य बोलते हैं अरे आप मुझे वृंदावन लेके आए हो ये ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकता ये तुम्हारे इच्छा आमी सही तरीब यहां, यहां हैं जो तुम्हारा इच्छा है मुझे अवश्य मैं करूंगा मुझे करना ही है आप मुझे जहां लेके जाना चाहते हो वहां पे मैं जाने के लिए तैयार हूं तो महाप्रभु भी बहुत सरेंडर है इस सरेंडर तो इस महाप्रभु प्रातः स्नान कईला वृंदावन जानी प्रेमा प्रेमावेश तो महाप्रभु अगले दिन सुबह उठ के प्रातः स्नान करते हैं और महाप्रु उनको समझ में आता है कि अभी वृंदावन से निकलना है महाप्रभु बहुत प्रेमावेश हो जाते हैं बाह्य विकार नाही प्रेमा विष्ट मन भट्टाचार्य कहे चली याई महावन तो हालांकि महाप्रभु भार्य कुछ भी यू नो लक्षण दिखा नहीं रहते हैं मन महाप्रभु का बहुत प्रेम यू नो उभर रहा था उस समय बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु बोलते हैं चलो गोकुल जाते हैं महावन बोली महाप्रभु महाप्रभुरे नौकाय वसान पार करी भट्टाचार्य चलीला लाल तो ये बोल के बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु को एक नौका में बिठाते हैं और नौका से महावन की ओर जा रहे हैं प्रेमी कृष्णदास आर सहित ब्राह्मण गंगा तीर पटे याइब विज्ञ दुईजन तो राजपूत कृष्णदास जो वृंदावन से अक्रूर तीर्थ आए थे और सन्नोदिया ब्राह्मण मथुरा के दोनों भी थे नाव में और उनको गंगा का मार्ग पता था तो अभी इनका प्लान क्या है महाप्रभु को थोड़ा महावन दिखाएंगे और वहां से वृंदावन के बाहर गंगा की ओर लेके जाएंगे एक वृक्ष तले प्रभु सब पट श्रांति देखिया तो चलते चलते महाप्रभु समझ जाता है कि सब लोग थक गए हैं एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं से वृक्ष निकटे चरे बहु गावी घन तहा देखी महाप्रभु उल्लसित मन तो वो वृक्ष के नीचे महाप्रभु बैठे हैं और बहुत सारे गाय थे तो महाप्रभु इन सब गायों को देख के बहुत प्रसन्न होंगे आचम भी थे एक गोप वंशी महाप्रभु महाप्रेम उस समय एक ग्वाला था जो गाय को चरा रहा था वो बासुरी बजाने लगा वंशी बजाने लगा महाप्रभु ये देख के पूर पूरा पागल हो गए आउट ऑफ कंट्रोल चले गए महाप्रु अचे प्रभु भूमि ते पड़ी मुख्य फेन पड़े नासाए श्वास रुद्ध हिला महाप्रु ये वंशी का आवाज सुन के इतने विवलित होते हैं बेहोश होके गिर जाते हैं और उनके मुंह से फेन निकलने लगता है और उनका सांस बंद हो जाता है उस समय क्या होता है दश आईल ब्लिच पातान गोड आयत उतरिल उसी समय महाप्रु अभी बेहोश होके पड़े हैं द, दस जो घोड़ सवार है मुस्लिम पटान जो सोल्जर्स थे उसी मार्ग से चलते हैं और महाप्रु को देख के नीचे प्रभु चील सुवर्ण आ है तो महाप्रु को यह अवस्था में देख के ये मुस्लिम सोल्जर सोल सोचने लगता है ये सन्यासी के पास शायद बहुत सारा सोना होगा ये चारों लोग ने मिलके महाप्रु को विष पिला दिया सन्यासी को विष पिला दिया अभी सोना लेके भाग रहे ऐसा अनुमान लगाते हैं। चारी यार दतुरा खायो यान, मारी यतीर सब धन तो ये चार लोग जो महाप्रु के साथ है ये चार लोग कौन है एक है बलभद्र भट्टाचार्य और दूसरे हैं बलभद्र भट्टाचार्य के एक ब्राह्मण असिस्टेंट जो उड़ीसा से आए थे अगर आपको याद है जब बलभद्र भट्टाचार्य निकले थे तो बलभद्र भट्टाचार्य के साथ एक असिस्टेंट थे ब्राह्मण तो दो लोग थे जो ओडिशा से आए थे राजपूत कृष्णदास जो वृंदावन से अक्रे थे और सन्नोदिया ब्राह्मण मथुरा से आए थे तो चार लोग थे तो ये ये जो मुस्लिम सोल्जर्स हैं वो सोच लगते हैं कि ये चार लोगों ने मिलके ये सन्यासी को विष पिला दिया धतुरा पिला दिया और अभी पैसा लेके भाग रहे उन्होंने मार दिया ये सन्यासी को तबे सही पटान चारी जनेर खाटीते चाहे बाबक लागीला तो ये बोल के ये पटान सोल्जर जो हैं सैनिक जो हैं ये चार लोगों को बंदी बनाते हैं मारने का प्रयास करते हैं और ये जो दो बंगाली है बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण दोनों कांपने लगते हैं कृष्णदास राजपूत निर्भय से बड़ सही विप्र निर्भय से मुख्य बड़ तड़क तो कृष्णदास जो था क्योंकि लोकल लोकल व्यक्ति था राजपूत था उसको डर नहीं लगा और सनोदिया ब्राह्मण भी मथुरा का ब्राह्मण था उसको भी डर नहीं लगा दोनों बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं विप्र कहे पतान तुमार पातसार धोआई चलो तुम्ही आमी शिका दर आई तो ये जो ब्राह्मण है वो बोलते हैं अरे आप जो पटान सोल्जर्स हो सैनिक हो आप राजा के अधीन हो चलो आपके बॉस के पास लेके चलो आपके जो कमांडर है उनके पास लेके चलो हम उनसे मिलेंगे ए यति तो ये जो सनोदी ब्राह्मण है बोलते हैं ये जो संन्यासी है हमारे गुरु है हम थोड़ी ना इनको मारेंगे और मैं भी मुस्लिम राजा को जानता हूं मैं मथुरा का ब्राह्मण हूं चलो राजा के पास लेके चलो ए यति जादीते कबु न मूर्छित अभनी चेतना पाइबे हईबे संवित तो ये सनोदिया ब्राह्मण बोलते हैं ये सन्यासी इनको कुछ बीमारी है इसलिए वो ऐसे बेहोश होके पड़े हैं तुम थोड़ा रुको ये सन्यासी का होश आएगा तब तुमको समझ में आएगा हमने इनको मारा नहीं शनेक यहां वैश्य बांदी रोकान सबारे यहाँ की पुचिया तबे मारिया सबारी तो ये सनो दिया ब्राह्मण बोलते हैं कि यहाँ पे बैठो हम भी बैठेंगे यहाँ पे चाहिए तो अरेस्ट करके रहो, रुको, पर यहां पे ये सन्यासी उठने के बाद उसके बाद हम निश्चय पे आते हैं कि हमने इसको मारा है कि नहीं ये सन्यासी स्वयं बताएंगे पतान कहे तुम्हें पश्चिम मथुरा दुई जन पे दुई जन तो ये पटान जो सोल्जर्स है सैनिक बोलते हैं आप सब चोर हो हम सब पहचानते आपको एक तो पाश्चात्य देश से है से हो, और बाकी दो चोर बंगाल से है कृष्णदास कहे तो अभी राजपूत कृष्णदास बोलता है हमारा घर शत तुर्की आचे शत के कामने। तो राजपूत भी बहुत शक्तिशाली था ये जो कृष्णदास वो बोलता है मेरा घर यहीं पे है मेरे पास दो सौ तर्कि सोल्जर्स हैं और मेरे पास 100 कैनन्स हैं गन है एकानी आसी सब हामी यदि फुकारी गोड़ पीड़ा लूटी तबे तुम्हारे सब मारी मैं भी चिल्लाऊंगा ये सब करके सोल्जर्स आके आपको मारेंगे तो ये सुन के ये लोग थोड़ा ठंडा हो जाते हैं गौड़िय बता पाद नाही ही बता पाद तीर्थवासी लूटा आर चाह मारी बार तो ये राजपूत ब्राह्मण बोलते हैं हम सब चोर नहीं है तुम लोग चोर हो तुम यात्री को मारना चाहते हो लूटना चाहते हो सुनिया पटान मने संकोच हई लहन काली महाप्रभु चैतन्य पाइल तो ऐसा इनके बीच में झगड़ा चल रहा था शब्दों का झगड़ा उस समय महाप्रभु अकस्मात उड़ जाते हैं हुंकार करिया उठे बले हरि हरि प्रेमावेश नृत्य करे उर्ध्व बाहु करी तो महाप्रभु तुरंत उड़ जाते हैं और अपना दोनों हाथ ऊपर करके महाप्रभु जोर जोर से हरिनाम करते हैं हरी हरी चिल्लाते हैं प्रेमा प्रभु यभे करे न चित्कार मिले हृदय लागे श्लेद धार तो महाप्रभु ने इतने जोर से हरि नाम चिल्लाया हरि का नाम लिया तो ये मुस्लिम लोग सब डर जाते हैं उनको लगता है हृदय में एक यू नो वज्र पड़ा है इतना डर जाता है भय पान्य चारी दिलचारी जन प्रभु न देखीला निज गनीर बंधन तो इतना डर जाते हैं ये पटान जो सैनिक थे तुरंत ये चारों लोगों को छोड़ देते हैं और आ, उस समय आ, इनके बीच में ऐसा वार्तालाप होता है बल्लभद्र भट्टाचार्य आसी प्रभु धरी महाप्रभु भाई तो गल्लभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु को बिठाते हैं और मुस्लिम लोगों को देख के महाप्रभु का यू नो भाई अवस्था आता आसी प्रभु वंदीला चरण प्रभु आगे कहे ती ताक चारी जन तो ये जो मुस्लिम सोल्जर्स थे सैनिक थे वो सब महाप्रु के पास आते हैं महाप्रु के चरण की वंदना करते हैं और बोलते हैं देखो ये चार लोग तुमाय पागल करिया तो ये बोलते हैं कि ये चार लोगों ने आपको धतुरा खिलाया है आपको पागल बना के आपकी सब जो संपत्ति है वो लेके जा रहे हैं प्रभु कहे न तक नहीं मोर संगी जन भिक्षुक सन्यासी मोर ना ही किचु धन महाप्रु बोलते हैं ये सब चोर नहीं है मेरे संगी है मैं संन्यासी हूं मेरे पास कुछ धन ही नहीं है मृगी व्याधि ते आमी कबू है ना अचेतन ई चारी दया करी करे ना पालन तो महाप्रु इतने नम्र हैं महाप्रु कभी ये नहीं बताते कि उनको भगवान के प्रति अष्ट सात्विक विकार का अनुभव हो रहा है महाप्र बोल रहे हैं मुझे मृगी व्याधि है है कभी कभी मैं बेहोश हो जाता हूं ऐसे पर ये चार लोग मेरा पालन कर रहे हैं सही एक परम गंभीर काल वस्त्र पर लोके कहे पीर तो ये सब मुस्लिम सोल्जर्स के बीच में एक उनका फकीर था या पीर था उसने काला वस्त्र पहना था मुस्लिमों मुस्लिमों का ये सन्यासी जैसा था नो you know? फकीर या पीर चित्त स्थापी स्वशास्त्र उत्थान है मुस्लिम जो पीर है महाप्रु को देख के उसका हृदय पिघल जाता है और महाप्रु के साथ कुरान के ऊपर बातचीत करने के लिए सामने आता है क्योंकि वो साब, आ, साबित करना चाहता है कि कुरान के अनुसार भगवान का कुछ रूप नहीं है निर्विशेष निराकार है अद्वैत ब्रह्मवाद सही करीला स्थापन तार शास्त्र तारे प्रभु खंडन। तो ये कुरान के बल पे अद्वैत ब्रह्मवाद ये सब कुछ ब्रह्म ज्योति है ये स्थापना करना चाहते थे पर महाप्रभु कुरान के बल पे ही इसको डिफीट करते हैं। कहीला प्रभु सकली खंडीला उत्तर न आई से मुके महास्तब तो ये जो भी बोलता था महाप्रभु उसको रिफ्यूट करते थे और ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा था तो महाप्रभु फाइनली बोलते हैं प्रभु कहे तुम्हारा शास्त्र स्थापे निर्विशेष तहा कांडी स विशेष स्थापी शेष तो महाप्रभु बोलते हैं आपने जो बोला सही है एक्चुअली कुरान जो है निर्विशेष की स्थापना करता है कि भगवान का कुछ रूप नहीं है पर अंत में बोलता है कि भगवान का भी रूप है अल्लाह का भी रूप है तुम्हारे शास्त्र कहे शेष एक ही ईश्वर सर्वईश्वर पूर्णते हो शाम कलेवर तो महाप्रभ बोलते हैं कुरान में लिखा है कि एक ही भगवान है सब ऐश्वर्य से बड़े हैं सड़ ऐश्वर्य पूर्ण है और उनका जो कलर है ब्लैकिश है श्याम वर्ण है महाप्रोलता है कुरान में लिखा है तो प्रॉप तात्पर्य में लिखते हैं मुस्लिमों के भी अलग अलग संप्रदाय हैं उसमें से एक संप्रदाय है सूफी संप्रदाय है, जो निर्विशेषवाद में बिलीव करते हैं और उनका स्लोगन है अनलहक उनका द स्लोगन और प्रॉपात बोलते हैं ये सूफी संप्रदाय लगभग शंकराचार्य के मायावाद संप्रदाय की तरह है सच्चिदानंद देह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सर्वात्म सर्वज्ञ नित्य सर्वादी स्वरूप आप तो लोग बोलते हैं कुरान के अनुसार भगवान का एक रूप है सच्चिदानंद देह भगवान का रूप है जो सच सचिद और आनंद से बड़ा है और भगवान सर्वात्मा सबके हृदय में है ऑल है, सर्वव्यापी है सब चीज जानते हैं भगवान नित्य है और और सब कारणों के कारण है सर्वादि स्वरूप इज द कॉज ऑफ ऑलिस सृष्टि स्थिति प्रलयता सूक्ष्म जगतेर सिंह समाश्रय सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ भगवान से ही आता है और भगवान जो है सूक्ष्म चीज हो स्थूल चीज हो सबके आश्रय वही है सर्वश्रेष्ठ तार भक्ति है ये जीवेर संसार तार ये जो भगवान है सबके आराध्य देव है सब कारणों के कारण है और भगवान के भक्तिमय सेवा करने से जीवों को संसार से तारन या मुक्ति होगा तार सेवा विदा जीवेर न्याय संसार तहार चरणे प्रीति पुरुषार्थ सार तो भगवान के सेवा के बिना किसी को ये दुनिया से मुक्ति नहीं मिलेगा बंधन से मुक्ति सिर्फ भगवान के सेवा से ही मिलेगा और भगवान का सेवा करके पुरुषार्थ सार, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना ही जिंदगी का लक्ष्य है तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं मुस्लिम शास्त्रों के अनुसार कुरान के अनुसार इवादत पांच बार उनको नमाज पढ़ने की जरूरत है और अल्टीमेटली इसका भाव यही है कि भगवान को समर्पित करना अल्टीमेटली सरेंडरिंग टू कृष्णा तो जैसे हमारे शास्त्रों में अलग अलग योग का वर्णन है तो प्रोपा लिखते हैं कर्म योग ज्ञान योग ये सब भी कुरान में वर्णन वर्णन आता है पर अल्टीमेटली कुरान में भी भक्ति योग के बारे में वर्णन आता है मोक्षादि आनंद यार एक कण पूर्णानंद प्राप्ति तार चरण सेवन तो महाप्रभु बोलते हैं जो मोक्ष प्राप्त करके जो आनंद मिलता है वो एक कण भी नहीं है भगवान की भक्ति करने के समान मतलब भक्ति का जो आनंद है इतना है उसके सामने ब्रह्मानंद का आनंद एक कण की तरह है कर्म ज्ञान योग आगे करिया स्थापन सब खांडी स्थापे ईश्वर तहर सेवन तो महाप्रभु बोलते है, कुरान में कर्म शक्ति यू नो योग इत्यादि ज्ञान का वर्णन है पर अल्टीमेटली यह सब का खंडन करके फाइनली भगवान का सेवा भक्ति का स्थापना होता है तुम्हारा पंडित सबार नाही शास्त्र ज्ञान पूर्वा पर विधि मध्य पर बलवान तो महाप्रभु ये जो कुरान के जो स्कॉलर हैं उनके जो सन्यासी हैं उनको बोलते हैं तुम्हारे जो पंडित हैं कुरान के पंडित हैं वो बुद्धिमान नहीं है वो बाकी सब मार्ग जानते हैं पर सबसे शक्तिशाली मार्ग कुरान का निष्कर्ष वो पहचानते नहीं है तुम्हें विचार करिया, की कर शेष कहाँ निर्णय करिया महाप्रु बोलते हैं जाके कुरान फिर से पढ़ो और क्या कुरान में लिखा है ध्यान से पढ़ो तभी तुमको निष्कर्ष समझ में आएगा कहे यही कह सही सत्य है शास्त्रे लिखिया आचे केह लीते न तो ये जो मुस्लिम सेंट था सन्यासी था वो तो मापरो को बोलता है आपने जो बोला सही है बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं फिर भी निष्कर्ष समझ नहीं पाते निर्विशेष गोसाई लाना करे न वाक्यान सकार गोसाई सेव्य करो न ही ज्ञान तो ये मुस्लिम जो व्यक्ति है वो बोलता है कुरान पढ़ के उनको लगता है कि भगवान निर्विशेष है पर एक्चुअली उनको समझ में नहीं आता कि भगवान का रूप है इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं आता ये निष्कर्ष पे वो पहुंचते नहीं है बहुत कम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं सहीत गोसाई तुमी साक्षात ईश्वर मोर कृपा करी मुई अयोग्य पामर तो फाइनली ये मुस्लिम सन्यासी महाप्रु का आश्रय लेते हैं बोलते हैं आप वही अल्लाह हो आप वही ईश्वर हो आप आए हो मेरे सामने मैं आपका आश्रय लेता हूं, मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, मुझ पे कृपा करना तो ये मुस्लिम संन्यासी महापुरुष का आश्रय लेता है। अनेक दिकिनु मुनि मेच शास्त्र हितें साध्य साधना वस्तु नारी निर्धारित तो ये मुस्लिम संन्यासी बोलता है मैंने कुरान इत्यादि बहुत विस्तार से पढ़ा है फिर भी मुझे अब तक समझ में नहीं आया साधना क्या है और साध्य क्या है क्या मार्ग है क्या लक्ष्य है मुझे समझ में नहीं आया आप मुझे बताइए तुम्हारा देखी जीवा मोर बले कृष्ण नाम आमी बड़ ज्ञानी गेला अभिमान ये बोलते हैं कि आपको देख के मेरे मुख से अभी कृष्ण नाम निकल रहा है मेरा अभिमान चला गया है कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं कृपा करी भल मोरे साध्य साधने एत बली पड़े महाप्रभुर चरण तो ये बोल के ये मुस्लिम व्यक्ति पापण के चरण पे गिरते हैं और बोलते हैं प्लीज आप मुझे बताइए साध्य साधना क्या है जिंदगी का जिंदगी का लक्ष्य क्या है वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है प्रभु कहे उठ कृष्ण नाम तुम्हें लईिला कोटि जन्मेर पाप गेला पवित्र हिला तो महाप्रभु ये व्यक्ति को बोलते हैं चलो उठो कृष्ण नाम बोलो और क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक बार कृष्ण नाम बोला है अनेक जन्मों के तुम्हारे पाप मिट गए हैं तुम अभी शुद्ध हो गए हो कृष्ण कह कृष्ण कह कैला उपदेश सबे कृष्ण कहे सबारेला प्रेमावेश तो महाप्रभु सब वहां पे जितने भी मुस्लिम पटान लोग थे महाप्रभु सबको बोलते चांद हरे कृष्ण कृष्ण का नाम बोलो और सब लोग बहुत प्रेम के साथ कृष्ण का नाम लेते हैं रामदास बली प्रभु तार कैला नाम आरेक पटान तार नाम विजुलिखार तो उस समय महाप्रु दीक्षा देते हैं ये मुस्लिम व्यक्ति को महाप्रभ ये मुस्लिम सन्यासी को नाम देते हैं रामदास महाप्रु इनिशियन और और एक मुस्लिम था महाप्रु उसको नाम देते हैं विजुली खान तो प्रहुपात तात्पर्य में लिखते हैं ये महाप्रभु ने यह मार्ग स्थापित किया है कि दीक्षा के समय नाम परिवर्तित होता है तो प्रभपात बोल रहे हैं कि जैसे महाप्रभु ने एक यवन एक मुस्लिम व्यक्ति को नाम देके कृष्णदास या रामदास नाम दिया है प्रपात बोल रहे हैं वैसे ही है हम पाश्चात्य देश में जाके वहाँ के मिलच यवन को एक्चुअली दीक्षा दे रहे हैं भगवान के नामों का उच्चारण करने का यू नो उपदेश दे रहे हैं और भगवान कृष्ण का या राम का नाम का एक दीक्षा नाम देते हैं तो प्रोपात यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत सारे लोग उस समय शिला समयशिला की निंदा करते थे कि प्रपाद कैसे पाश्चात्य देश के लोगों को दीक्षा दे सकते हैं तो प्रपात बोल रहे हैं हम महाप्रभु के पच्चीनों पर चल रहे हैं महाप्रभु ने हमको सिखाया है कि पाश्चात्य देश के लोगों को भी मुस्लिम यवन ये सब लोगों को भी वैष्णव बनाना और दीक्षा देख के उनका नाम चेंज करना so, महाप्रु चेंज इज तो रामदास अल्प व्यस तार रामदास आदि पटान चकार तो ये जो बिजुली खान था राजा का लड़का था पटान के राजा का लड़का था तो महाप्रु इसको भी दीक्षा देते हैं राइट और ये जो बाकी सब पटान थे इसके सर्वंट्स थे तो महाप्रभु राजा के लड़के को दीक्षा देते हैं कृष्ण बलि पड़े सही महाप्रभु श्री चरण दिला तो ये विजुली खान यंग लड़का था नौजवान लड़का था महाप्रभु के चरण पे गिरते हैं और महाप्रभु उनका चरण इसके सर पे रखते हैं सबारे कृपा करी प्रभु न चल सहित पटान सब वैरागी हर तो महाप्रभु इन सबको कृपा कृपा देते हैं और ये सब जो पटान मुस्लिम थे सब वैरागी बन गए सब सन्यासी, सब प्रचारक बन गए महाप्रभु के पटान वैष्णव बलि ख्याति सर्वत्र गाया बुले तो ये सब लोग वैष्णव बन जाते हैं पटान वैष्णव और पूरे जगत पे भ्रमण करके महाप्रभु का गुणगान करता है तो ये महाप्रभु का शक्ति है महाप्रु ने इन लोगों को भी वैष्णव बना दिया श्री विजुली खान हिला महाभागवत सर्वती तार परम महत्व तो ये विजुली कान जो है बहुत महान वैष्णव बनते हैं और बहुत सारे तीर्थ स्थली में ये प्रसिद्ध हो गए लीला करे प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य पश्चिमे कैला कैल धन्य। इस तरह से महाप्रभु ने लीला किया है पश्चिम भाग में आके महाप्रु ने इन सब यवन मलेच्छों को भी वैष्णव बना दिया सोरो क्षेत्र आसी प्रभु कैला गंगा स्नान गंगा तीर पटे कैला प्रयाग प्रयाग तो इस तरह से महाप्रभु प्रचार करते करते सोरो क्षेत्र आते हैं वृंदावन से बाहर आ जाते हैं महाप्रभु वहां पे गंगा में स्नान करते हैं और वहां से आगे प्रयाग की ओर आते हैं विप्रे कृष्ण दासे प्रभु विद्याय दीला जोड़ा हाथे दुई जना कहिते लागे ला। सोरो क्षेत्र में महाप्रभु सनोदीय ब्राह्मण और ये राजपूत कृष्णदास दोनों को बोलते हैं कि आप अभी वापस जाइए तो ये दोनों हाथ जोड़ के महाप्रभु से विनती करते हैं प्रयाग पर्यंत दुने तुम्हारा संग याब चरण कहा तो महाप्रु इनको बोल रहे हैं कि आप अभी वृंदावन वापस चले जाइए तो ये दोनों राजपूत कृष्णदास और सनोदिया ब्राह्मण दोनों महाप्रु को हाथ जोड़ के बोलते हैं प्लीज हम एटलीस्ट प्रयाग तक आपके साथ जाएंगे क्योंकि आपका संघ वापस मिलेगा कि नहीं पता नहीं प्लीज हमको परमिशन देना कहा करे उत्पाद भट्टाचार्य पंडित कहीं ने न जाने तो दूसरा कारण देते हैं अभी भी मलिच्च देश है कहाँ से फिर से ये मुस्लिम सोल्जर आएंगे पता नहीं बेचारा बलभद्र भट्टाचार्य बंगाली जानता है यहाँ का भाषा नहीं जानता हमारा जरूरत है सुनी महाप्रभु इशक हसी थे सही दुन दुई जन प्रभुर चली आई तो महाप्रभु मुस्कुराते हैं और उनको लेके आगे प्रयाग की ओर चलते यही यही चल प्रभुर दर्शन सही प्रेम में कृष्ण संकीर्तन जो जो व्यक्ति महाप्रभु को देखता है सब लोगों को हरि नाम देते हैं और सब लोग कृष्ण प्रेम में मत हो के भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तार संगे अन्यो ने तार संगे आन ई मत वैष्णव कैला सब देश ग्राम तो जिसको महाप्रु मिलते हैं उनको वैष्णव बनाते हैं ये वैष्णव ये व्यक्ति जाके जिसको मिलता है वो वैष्णव बन जाता है इस तरह से हर गांव वैष्णव बनता रहता है दक्षिण आयते याचे शक्ति प्रकाशिल पश्चिम देशे प्रेम भसाये तो जैसे महाप्रु ने दक्षिण भारत का प्रचार किया था गांव गांव में तो वैसे ही महाप्रु ये पश्चिम भाग में भी प्रचार करते हैं तो प्रॉपर तात्पर्य लिखते हैं थोड़े लोग बोलते हैं कि महाप्रभु जब आ रहे थे प्रयाग की ओर महाप्रभ कुरुक्षेत्र भी आते हैं पर उसका क्लियर इंडिकेशन नहीं है पर थोड़े लोग ऐसा बोलते हैं मत चली प्रभु प्रयाग आईला दस दिन त्रिवेणी ते मकर स्नान कैल तो इस तरह से महाप्रु फाइनली प्रयाग पहुंचते हैं दस दिन महाप्रभु प्रयाग में रुकते हैं और आ, मकर संक्रांति के दिन इत्यादि महाप्रभु त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो त्रिवेणी करते गंगा यमुना सरस्वती अभी गंगा यमुना दिखता है पर सरस्वती अदृश्य रूप से है वृंदावन ग्रन तो महाप्रु का जो वृंदावन यात्रा था उसकी लीलाएं अनंत है अनंत शेष भी महाप्रु की लीलाओं स्पेशली वृंदावन यात्रा की लीलाओं की समाप्ति नहीं कर सकती तहा के कही पारे शूद्र जीवहान दिग्दर्शन कैलुन मुनि सूत्र करिया तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि अगर अनंत शेष महाप्रभु के वृंदावन यात्रा का वर्णन नहीं कर सकते हैं मैं सकता हूं मैंने सिर्फ इंडिकेट किया है संक्षिप्त में समरी रूप में दिया है मैंने अलौकिक लीला प्रभु अलौकिक रीति सुनीले भाग्य हीनेर प्रतीति तो महाप्रभु के लीलाएं अलौकिक है महाप्रभु के तरीके अलौकिक है जो व्यक्ति यह सुनता है और इस पर विश्वास नहीं करता वो बहुत भाग अभाग्यशाली कृष्णदास तो कविराज गो बोलते हैं शुरुआत से अंत तक महाप्रु का एक लीला अलौकिक है श्रद्धा के साथ सुनना है डाउट नहीं करना है तरके करी यहां से मूर्ख राजा अपनार मुंडे से अपना पदे जो महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर तर्क करता है या आर्ग्यू करता है सबसे बड़ा मूर्ख राजा है अपने सर पे वज्र का पहार करता है या अपने पैर पे कुलाड़ी मारता है चैतन्य चरित्र ही अमृतेर सिंधु जगत आनंद भाष्य यार एक बिंदु महाप्रभु का जो लीलाएं हैं अमृत का सागर है इसका एक बूंद संसार को डुबाने के लिए काफी है ठीक है जैसे समुद्र का एक बूंद भी चिंटी को डुबा सकता है तो वैसे ही महाप्रुख की लीलाएं अमृत के समुद्र की तरह है एक बूंद भी काफी है पूरे संसार को डुबाने के लिए प्रेम में श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास इस तरह से कृष्णदास के विराज गोस्वामी रूप रघुनाथ और बाकी गोस्वामी के चरण का आश्रय लेते हुए चैतन्य चरितमृत का वर्णन करते हैं तो यहाँ पे अठारहवा अध्याय समाप्त होता है <coughs> महाप्रभु का वृंदावन यात्रा कैसे राधा कुंड का राधा कुंड की खोज करते हैं हमने सुना कि महाप्रभु कैसे वृंदावन के अलग अलग स्थलियों में जाते हैं कालिया दह में वो लीला के बारे में हमने सुना तीर्थ के लीलाओं के बारे में सुना और कैसे महाप्रभु फाइनली वृंदावन से बाहर आते हुए ये मुस्लिम सैनिकों को वैष्णव बनाते हैं और फाइनली महाप्रभु प्रयाग आते हैं उन्नीसवा अध्याय है प्रयाग में दस दिन जब महाप्रभु रुकते हैं वहां पे रूप गोस्वामी आए थे रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनुपम के साथ राम के लिए से भाग के प्रयाग पहुंचते हैं दस दिन महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं घाट में तो आगे के अध्यायी बौद्ध फिलोसफी से बनाए हैं महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन तत्व ज्ञान शिक्षाएं जो वो रूप गोस्वामी को देते हैं उसके बाद महाप्रभु काशी आते हैं एक महीना आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ काशी में रुकते हैं और वहां पे सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं है देते हैं तो दिस वी विल कंटिन्यू पर मैं सोच रहा था कल ज्वलन यात्रा का उत्सव है कल से शुरू हो रहा है कल थोड़ा बहुत हम राधा कृष्ण के ज्वलन यात्रा के बारे में वर्णन करेंगे अगला हफ्ता मैं दो, दो तीन दिन के लिए मायापुर जा रहा हूँ अगला हफ्ता शायद कता नहीं होगा उसके बाद वाला हफ्ता जन्माष्टमी का हफ्ता है

आपसे बच्चों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं तो दोनों बाबू आप अनम्यूट करें एक फ्रॉड oh. को पूछें ओके हरे कृष्णा दनवत प्रणाम अच्युत गोपाल प्रभु आपके चरणों में कोटि-कोटि नमस्कार बहुत आनंद हुआ हम हम पढ़ते हैं चैतन्य चरित्र अमृत आपके साथ तो लगता है कि हम भी यात्रा में जा रहे हैं साथ में क्या yeah, <laughs> nice. yeah. <laughs> प्रभु जी yeah. और आप अभी जाएंगे मायापुर और so, प्रयागराज में जो चैतन्य महाप्रभु ने दस दिन ही स्पेंड टाइम एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू रूप गोस्वामी एंड ही विजिटेड प्रयाग ऑल्सो इन मेनी डिफरेंट टेम्पल्स राइट खासकर एक वेनी माधव हाँ 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 ऑन वेनी माधव ही गिव द इंस्ट्रक्शन टू रूप गोस्वामी और वो घाट पे uh, यमुना जी के घाट पे आई थिंक दशाश्वमेध घाट आएगा आगे वर्ण हाँ 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 ओके हरे कृष्णा प्रभु जय राधे नाइस सेफ ट्रिप एंजॉय द मायापुर एंड ऑल फेस्टिवल राइट प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा Thank you so much, और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं okay. तो प्रभु जी किसी को भी प्रश्न है नहीं सभी को क्लियर है आज का सेशन अच्छे से तो आपकी इजाजत हो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं शीला प्रभुपात की छवताना पावने